guys, today is 23rd of August. कल 24th को मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल आफ्टर 530 डेज. मैंने गूगल पे कैलकुलेट करा कितने दिन बाद वापस जा रहा हूँ. तो तुम सोच ही सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा इस वक्त एक्साइटेड हूँ. पीछे तुम देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा बिखरा पड़ा है सब कुछ, बिकॉज मैं पैकिंग कर रहा हूँ इस वक्त. रात के 9:30 बज रहे हैं और तुमने जितनी भी वीडियोस देखी है वो मैं अपने घर पे ही शूट करता था. तो मेरे को अपना पूरा सेटअप अब वहाँ पे शिफ्ट करना है. तो तुम समझ सकते हो कितना सारा सामान है एंड काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली है. मतलब ये पूरी सीरीज़ मैं कवर करने वाला हूँ अपने चैनल पे. जाऊँगा वहाँ पे, तुम्हें रूम दिखाऊँगा क्या है क्या नहीं है. तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने को मिलने वाली है. मैं तो एक्साइटेड हूँ और आई होप तुम सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होगे. तो आप सबके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे मिल गया रूम, क्या ऑनलाइन हो रहा है सेमेस्टर ऑफलाइन हो रहा है. तो मैं ना पैकिंग करता हूँ और साथ साथ तुम्हें एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाता हूँ. हाँ, तो स्टोरी कुछ ऐसी है. 1.5 साल पहले एक हफ्ते की छुट्टी बनाने हम सब गए थे अपने घर, और उसके बाद जो हुआ वो तो तुम सबको पता ही है. Welcome back. Let's turn to the other big story tonight. The first confirmed case of novel coronavirus reported from Kerala, where a student studying in China's Wuhan University has tested positive with the deadly virus. Classes online shift हो गई, काफी सारे exams cancel भी हुए, और पता ही नहीं चला 1.5 साल की college life कब तबाह हो गई. लेकिन अब जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आई गई थी तो हमने सोचा क्यों ना एक बार मेल डालकर अपनी किस्मत आजमाई जाए. तो हमें रिप्लाई भी आ गया और हमने जल्दी से फॉर्म भरा और हमें हॉस्टल मिल गया. और अब तुम मुझे देख रहे हो पैकिंग करते हुए. गाइस, जो कपड़े हैं वो मैंने पैक कर लिए हैं, तुमने देख लिया होगा बैग के अंदर. मेरा हमेशा से एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मैं जब भी हॉस्टल जाता हूँ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर से भूल के जाता हूँ. और इस बार मेरे मॉम डैड भी नहीं है घर पे, तो मेरे को अकेले पैकिंग करनी पड़ रही है. बट मैं इस बार मेक श्योर करूंगा कि कुछ ना छूटे. ठीक है, तो अब हम इस बैग को भरते हैं. दिस इज द सेकंड बैग. अब अगर मुझे हॉस्टल में शावर लेना होगा तो मेरे को शैम्पू की जरूरत पड़ेगी, बॉडी वॉश की जरूरत पड़ेगी, और मेरे को हैंड वॉश की भी जरूरत पड़ सकती है, ब्रश. ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सीरियसली बंदा भूल जाता है और बहुत रिग्रेट करता है. तो मैंने क्या किया यार, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊँ. अगर जैसे कि ये एक हो गया तुम्हारा टेलकम पाउडर, ठीक है, शावर जेल, और ये भाई ये मैंने नई चीज़ परचेज करी है, ये बियर शैम्पू, इसको भी ट्राई करेंगे. तो ये सब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और ये बहुत सारा है. अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये पूरा का पूरा थैला भरा हुआ है. एंड डेटॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पे, माउथ वॉश की जरूरत पड़ जाती है. ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वो सारा सामान मैं इस बैग में डालूँ. तो गाइज, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने सारे के सारे ऑनलाइन ऑर्डर किए. ऑफलाइन भी लेके आ सकता था, बट मैंने सोचा कि अगर घर पे डिलीवरी हो जाएगी तो क्यों इतनी टेंशन लेनी. और जब यार मैं टीनेजर था, अभी तो मेरे पास अपना एक बैंक अकाउंट है, लेकिन जब मैं टीनेजर था तो तब मेरा बहुत मन करता था कि काश मेरे पास भी एक कार्ड होता, मेरे पास एक बैंक अकाउंट होता. कैश कैरी करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी. तो यहाँ पे यार मैं आप सबको बताना चाहता हूँ अकूडो के बारे में, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें टीनेजर्स के लिए अब पॉसिबल हो चुकी हैं. आप अपना पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं. आपको अपने पेरेंट्स के थ्रू रजिस्टर करना है अकूडो ऐप पे. 2 मिनट के अंदर आपका अकाउंट बन जाएगा. आपके पेरेंट्स वहीं पे आपको हर मंथ आपकी जो पॉकेट मनी होती है वो दे सकते हैं. आप उनको जहां स्पेंड करना चाहें कर सकते हैं. आप अमेजोन पे, स्विगी पे, जहां भी आपको पेमेंट करनी है आप अपने प्लैटिनम कार्ड से कर सकते हैं. और ये कम्प्लीटली सेफ है बिकॉज अकूडो हैज पार्टनर्ड विद आरबीएल बैंक एंड वीजा. आप हर मंथ अपना एक सेविंग का गोल बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं. मेरे को बिल्कुल नहीं आता था पैसे मैनेज करना क्योंकि मेरे पास पैसे कभी थे ही नहीं. तो आप अभी से सीख सकते हैं. तो मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ. सारे टीनेजर्स जो हैं वो जाएंगे और डाउनलोड करेंगे और उसके थ्रू ही करेंगे. कैश कौन कैरी करता है आज के टाइम पे यार. चलो अब बहुत बातें हो गई, अब हम इन सारे सामानों को अंदर डाल देते हैं. ठीक है, भैया हॉस्टल शिफ्ट कर रहा हूँ मैं. शिफ्ट करना है? हाँ जी, हाँ जी, मैं सामान लाया हूँ, मतलब मेरे को परमिशन है. ठीक है.
ओके गाइस, तो फाइनली हॉस्टल में मैं एंट्री ले चुका हूँ. ओके, और अब मैं जा रहा हूँ 10th फ्लोर पे. मेरा रूम है यहाँ पे, मेरे को क्वारंटीन करना है 7 days के लिए. तो 7 days मेरे को अंदर ही रहना है. एंड उसी के बारे में भैया बता रहे थे कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तुम सीधा जो है वो कॉल कर सकते हो. ठीक है, तो वेरी वेरी एक्साइटेड. काफ़ी टाइम बाद मेरा एक फ्रेंड ऑलरेडी आ चुका है, तो पहुँचते हैं जल्दी से. ठीक है, तो ये है अपना 10th फ्लोर. ये ब्रो कैसा है? अरे वाह भाई वाह, ये पहले से था यहाँ पे? सही है ब्रो, बढ़िया यार. मैं भी जस्ट आया हूँ अभी. मैं ब्लॉग वगैरह बना रहा था. तो फाइनली यार मैं रूम में आ चुका हूँ अपने. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मैट्रेस ले रखा है जो मैं नहीं लेके आया था. थैंकफुली है यहाँ पे. चार टाइम क्या क्या मिलता है? सुबह नाश्ता मिलेगा, फिर अभी लंच मिलेगा, फिर स्नैक्स मिलेगा, फिर डिनर मिलेगा. स्नैक्स में क्या होता है? स्नैक्स में कभी समोसा तो कभी कुछ, कुछ और चाय भी होती है. हाँ, ये आप खुद दे जाओगे या मैं कॉल करूँ? नहीं नहीं, मैं दे जाऊँगा आपको. तो गाइज आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था. मतलब अब थोड़ा बहुत सस्पेंस भी बनाना पड़ेगा ना यार, अब सब कुछ एक ही ब्लॉग में थोड़ी दिखा देंगे, है ना. तो यहाँ पे तुम्हें बड़े तगड़े तगड़े ब्लॉग्स मिलने वाले. और भाई ये हमारे एक दोस्त हैं, हमारे साथ आ रखे हैं. देख रहे हो तुम कितने हैकाथॉन्स वगैरह भाई ने खेल रखी है. ठीक है, चलो हम बताएंगे आगे वीडियोज़ के अंदर. तो यार एक तो सब्सक्राइब कर देना, और यार इंस्टाग्राम पे तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो @harman.sings. मतलब मैं कभी बोलता नहीं था इंस्टाग्राम के लिए, लेकिन मैं अब से बोला करूँगा, क्योंकि वो 10K का स्वाइप अप होता है ना, तो करवा दो यार जल्दी से. और ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.